लोग पूछते हैं कि ये थ्रीसम क्या होता है, ग्रुप सेक्स क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ी आज मैं बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त धन्य महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी आजकल एक देखो नया ट्रेंड आ रहा है, कोई भी शुरुआत ऐसा बोला जाता है कि फॉरेन से होती है, कोई नई शुरुआत जो है, नई फैशन, नए डिज़ाइन, नया जो भी कुछ है, अभी इसकी भी शुरुआत फॉरेन से हुई है। थ्रीसम यानी कि ग्रुप सेक्स, इसमें होता क्या है कि इसमें लोग ग्रुप सेक्स करते हैं तो हो सकता है कि दो फीमेल्स है और एक मेल है, ये तीनों मिलके सेक्स कर रहे हैं, या दो मेल है और एक फीमेल है वो कर रहे हैं। ज़्यादातर एक मेल और दो फीमेल रहती है, कभी कभी दो मेल और एक फीमेल भी रहती है, तो ये ग्रुप सेक्स है। थ्री सम इसको बोलते हैं, थ्री सम मतलब तीन लोगों ने एक साथ सेक्स करना। अब इसके बारे में जानना ये जरूरी है कि तीन जब लोग साथ में सेक्स कर रहे हैं और कोई भी पति पत्नी अपने बेडरूम में तीसरे व्यक्ति को बुला रहा है और वो तीसरा व्यक्ति अपने सम्मति से आ रहा है, मतलब उसकी सम्मति है और इनकी भी सम्मति है, इनकी भी खुशी है उनकी भी खुशी है, इसमें आ रहा है और उनके साथ में वो सेक्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये बड़ा अलग मामला हो गया। जो लोग ऐसा पहली बार सुन रहे होंगे उनको तो ये क्या बता रहे हैं डॉक्टर केळकर, ऐसा कैसे हो सकता है, मगर होता है। तो इसमें फिर ये पहले डिसाइड करते हैं लोग कि ये थ्रीसम में कौन कैसी एक्टिविटी निभाएगा, मतलब कौन कैसा पार्टिसिपेट करेगा। ऐसा हो सकता है कि एक आदमी बहुत ही डोमिनेंट है, एक जस्ट न्यूट्रल है, कुछ नहीं कर रहा हो, मतलब जस्ट जैसा कर रहा है वैसा पार्टिसिपेट कर रहा है, वो बहुत डोमिनेंट है, तीसरा एकदम पैसिव है कि जो हो रहा है वो सिर्फ एंजॉय कर रहा बोलो या नहीं भी एंजॉय कर रहा हूँ, पैसिव है। ऐसे हर एक के रोल यदि डिफाइंड रहे इसमें तो अच्छा रहता है। तीनों की सहमति होना जरूरी है, एग्रीमेंट तीनों का है, किसने क्या रोल करना है, हर एक की मेडिकल हिस्ट्री जानना जरूरी है कि मेडिकल हिस्ट्री में किसको कुछ बीमारी तो नहीं है, किसको HIV है, एड्स है, या किसको कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, कंडोम का वापर कर रहे हैं, मतलब सभी जानना जरूरी है। यानी किसी को खांसी है तो खांसी हो जाएंगी, तो क्योंकि मेडिकल हिस्ट्री तीसरे की मालूम नहीं रहती है। अब ये तीसरा व्यक्ति जो आ रहा है वो हो सकता है कि एकदम नया है और पहली बार करके उसको बुला रहे है ना, पहली बार ही आ रहा है, एकदम नया है, ज़्यादा मालूम नहीं उसके बारे में। हो सकता है कि जान पहचान वाला है, फैमिली का नोन है, फैमिली फ्रेंड है और उसको बुला रहे सेक्स करने के लिए, तो उसकी मेडिकल हिस्ट्री, सेक्सुअल हिस्ट्री सब मालूम है उसके बारे में। कुछ लोग इसको हाँ कभी तभी करेंगे एक आधे बार और जस्ट किक आने के लिए करते हैं, हस्बैंड वाइफ, मतलब पति पत्नी दोनों की सम्मति जरूरी है ना इसके लिए, तो पति पत्नी दोनों बोलते हैं हाँ ठीक है, मजा करने के लिए तीसरे आदमी को बुला लेंगे। कुछ लोग बाय चॉइस ये करते हैं, मतलब काफ़ी बार बुलाएंगे और काफ़ी सारा मतलब इन्वॉल्व हो जाएंगे, सेक्स करेंगे। अब ये थ्रीसम में प्रॉब्लम ये है कि ये तीसरा आदमी ढूंढना कैसे, सवाल ये है कि ये तीसरा आदमी ढूंढना कैसे, तीसरा आदमी लाना कहाँ से, किसको कुछ ऐसा बोल दिया तो उसको कैसा लगेगा, उसको मालूम ही नहीं है कंसेप्ट, तो वो कैसा क्या उसको लेगा, परसीव करेगा, या समझो एक व्यक्ति को ऐसा करना है तो उसने अपने पत्नी को कैसा कन्विंस करना है, पहले पत्नी कन्विंस होना चाहिए कि मैं और तीसरे व्यक्ति को बुला रहा हूँ, तीसरे लेडी को मैं बुला रहा हूँ अपने कमरे में, क्योंकि बेडरूम में तीसरे व्यक्ति को बुलाना और सेक्स करना तीनों ने साथ में मिलके, तो पहले पति पत्नी की दोनों की भी कंसेंट होना जरूरी है, सहमति होना जरूरी है, तीसरे आदमी की भी सहमति होना जरूरी है। तो ये सब करना तो उसके लिए पहले प्रिपरेशन करना, मानसिक तैयारी करना, ये सब जरूरी है। अभी आप तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली अभी ये जो नया कंसेप्ट आ रहा है लोगों में, अभी नया कंसेप्ट बोलो, नई फैशन बोलो, या अभी नया जीने का तरीका बोलो, जो भी है, वो जब अमेरिका में आ गया है तो इंडिया में बड़े बड़े शहरों में आया होगा, और यदि इंडिया में बड़े शहरों में आया है तो फिर अकोला जैसे छोटे शहर में भी आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वो जो सेक्स क्लब्स रहते हैं कि जिसमें कपल्स जाते हैं, कार की चाबी डाल देते हैं एक जगह पे और जिसने जो चाबी उठा लिया उसकी मिसेज उसके साथ में चले जाएंगे, वो सेक्स करेंगे, ये भी तो बड़े बड़े शहरों में होता ही रहता है, फॉरेन में भी होता है ये, तो वो तो एक दूसरे की वाइफ को चेंज करना, एक्सचेंज करना और सहमति से और एंजॉय करने भी चलता ही है। अभी ये तीन लोगों ने करना अपने साथ में, ये भी चलता है। स्टैटिस्टिकल डाटा ये बोलता है कि अमेरिका में सिंगल लोग जो है, ऐसे 9 सिंगल लोगों में एक व्यक्ति थ्रीसम में इन्वॉल्व है, 9 में से 1, क्यों थ्रीसम में जाता है, वो लेडी होंगी या जेंट्स होगा। फिर लोग बोलते हैं कि इसका ये निकालना कैसे, ये कैसे ढूंढना, ये तीसरा आदमी कैसा ढूंढना, और ये कैसा क्या होता है, ये प्रैक्टिकली कैसा किया जाता है, तो इसके बारे में मैं अगली वीडियो में बात करूँगा, यदि आप चाहते हैं कि मैंने इस तरह का वीडियो डालना चाहिए करके। तो यदि आप चाहते हैं
कि ऐसा वीडियो हमको चाहिए, तो डेफिनेटली मैं आपकी कमेंट देके फिर नेक्स्ट वीडियो डालने वाला हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। नए कंसेप्ट है, नई लाइफ स्टाइल है, नए जीने का तरीका है। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।